हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वर्षाज बुटिक्स। में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो लेडीज़ पैंट ट्राउज़र होता है उसमें हम लास्टिक किस तरीके से लगा सकते हैं, और सबसे पहले जानेंगे कि हम पॉकेट किस तरीके से बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने सबसे ईजी तरीके से आपको पॉकेट बनाना सिखाया है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और सबसे पहले, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा फ्रंट साइड है वहाँ पे इस तरीके से आप पॉकेट लगाएंगे तो एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरीके से निशान लगाया है जितने पे मुझे बेल्ट जो है बनानी है। जैसे हम इसमें राउंड राउंड बस लास्टिक ही डालने वाले हैं, तो इस तरीके से हमने लास्टिक का के लिए जो नेफा तैयार करेंगे वो मैंने इस तरीके से 3 इंच फैब्रिक जो है ऊपर को छोड़ रखा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया। अब जो 3 इंच फैब्रिक जो ऊपर से छोड़ा हुआ है, वहाँ से हम क्या करेंगे, एक और निशान इस तरीके से हम देखिए लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं इस तरीके से इंची टेप से सबसे पहले तो मैंने इस तरीके से पॉकेट जो है कट कर लिए। पॉकेट आप अपने हैंड के अनुसार कितनी भी, जितनी आपको गहराई रखनी है आप उसके बराबर आप इसको रख सकते हैं। और इस तरीके से नीचे देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से आप सिल लीजिए इसको। इस तरीके से स्टिच पूरा कर लेंगे अच्छे से, और पॉकेट का जो शेप है इस तरीके से ही देना होता है हमेशा, तो आप वो हमेशा तैयार देखिए। और इस तरीके से हम मोड़ेंगे, और मोड़ते हुए बिल्कुल इस तरीके से इसके कोने वगैरह जो हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे आप चाहें तो इस पर साथ में साथ प्रेस करते चलें। अगर ऐसे ही मतलब कॉटन कपड़ा होता है तो ऐसे ही मतलब हो जाता है। तो हमने जो निशान लगाया हुआ है आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर से 1 इंच पे छोड़ दिया है। और इस तरीके से डबल फैब्रिक जो मैंने बनाई हुई पॉकेट है उस पर देखिए, हम यहाँ पे अब निशान लगाएंगे 6 इंच पे, क्योंकि हमारी पॉकेट में जो हैंड हम डालते हैं हाथ को, तो हम केवल 6 इंच तक ही हमने इस तरीके से निशान लगाया है। ये आप एक बार और देख सकते हैं, और देखिए हम इस तरीके से सिलाई जो है इसमें लगाएंगे हल्का सा ऊपर, और आधा इंच से कम हमें नीचे की अंदर की साइड में सिलाई लगानी है। और इस तरीके से हम कट कर देंगे। अब देखिए, इसमें हमें इस तरीके से फैब्रिक को कट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो इजीली फोल्ड हो जाता है और बिना किसी क्रीज के, कोई भी क्रीज इसमें नहीं आती है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारी पॉकेट जो है वो तैयार हो जाती है। अब आप देख सकते हैं, हमारे आधा आधा इंच जो है कपड़ा निकल आया है इस तरीके से। देखिए देखिए, इस तरीके से अगर थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है निकालने में, तो आप किसी चीज़ की हेल्प से भी इस तरीके से कोने इसके निकाल सकते हैं। वैसे ये इजीली जो मेरा फैब्रिक है वो कॉटन फैब्रिक है, इस वजह से ये बहुत आसानी से निकल आ रहा है। और इस तरीके से आप एक बिल्कुल आधा इंच से भी कम आप अंदर की साइड में लेके एक इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और देखिए, सिलाई लगाने के बाद में हमें इस तरीके से वहीं से टर्न कर देना है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो पॉकेट का फ्रंट पार्ट है वो एकदम रेडी हो गया है। अब हमें किस तरीके से इसको रखेंगे, देखिए ये है। ठीक है, हमारे अब हम इसके ऊपर की साइड में, ये जो पॉकेट है हमने ऊपर से उठा के उसको अच्छे से अब ऊपर की साइड में हम अपना फैब्रिक रख लेंगे, देखिए इस तरीके से। और आपको स्टिच देखिए, आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका जो आपने छोड़ रखा है आधा इंच को अंदर के साइड में, वहाँ पर आपकी सिलाई नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से आप जो ट्राउज़र है वो इस तरीके से स्टिच कर लें। देखिए, मैं यहाँ पे अब पूरा नीचे तक सिलाई लगा दूँगी, और इसके बाद में एक टॉप स्टिच भी ज़रूर लगाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पॉकेट बनाना ट्राउज़र में बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप जब
सीख जाएंगे तो यही चीज़ आपको बहुत ही इजीली लगने लगेगी। देखिए इस तरीके से, अगर मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो आप तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और देखिए इस तरीके से हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। ध्यान रहे जो हमने पॉकेट बनाई है उस पर सिलाई जो है बिल्कुल भी नहीं चले, ठीक है। और इस तरीके से एक टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए अब जो हमारा पॉकेट है वो रेडी है। ये देखिए इस तरीके से, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी पॉकेट जो है रेडी हुई है और बहुत ही अच्छे से पॉकेट जो है हमारी तैयार हुई है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो या कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक वीडियो आपके लिए और बनाऊंगी। अब सिंपली क्या है, हमें जितनी हमारी इलास्टिक का जो हम डालते हैं 2 इंच है या 1.5 इंच की जो भी इलास्टिक हम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से नेफा तैयार कर लें। राउंड राउंड बस सिलाई लगाते जाना है। और ये इलास्टिक लगाने वाला जो ट्राउज़र होता है वो बहुत ही आसान होता है इस तरीके से। बस थोड़ा सा भाग जो है हमें यहाँ पर खुला छोड़ना है जहाँ से हम अपनी इलास्टिक जो है उसको डालते हैं यहाँ से, ठीक है। और इस तरीके से मैंने कमर की नाप का जो है इलास्टिक तैयार कर लिया है। आप भी देखिए जितनी आपकी कमर होती है उससे 10 इंच या 8 इंच कम इलास्टिक का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी कमर जैसे 40 है तो आप 36, 37 इस तरीके से भी या फिर 35 तक भी इलास्टिक यूज़ कर सकते हैं। 4-5 इंच कम होनी चाहिए या फिर 8-10, अगर इलास्टिक आपकी थोड़ा सा खिंचाव वाली है तो आप उस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा इलास्टिक का कम, मतलब ज़्यादा इलास्टिक का यूज़ करेंगे। जैसे कम टाइट वाली इलास्टिक है तो ठीक है, और थोड़ा सा लूज़ वाली जो इलास्टिक होती है वो ज़्यादा खिंचती है तो इस वजह से हम उसका थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इस तरीके से जो है एक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और सिलाई लगाने के बाद में हम देखिए इसको अब अंदर से इस तरीके से कवर कर देंगे और यहाँ पे जो खुला हमारा भाग है उस पर हम सिलाई लगा के इसको एकदम फिनिशिंग के साथ में अंदर कर देंगे और धागे वगैरह सारे जो हैं हमारे कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, और देखिए धागे कट करने के बाद में हमें क्या करना है, जितनी भी हमने इलास्टिक डाली हुई होती है उसको देखिए एकदम अच्छे से पूरे में फैलाते हुए इस तरीके से इलास्टिक को 4-5 बार जब आप खींचेंगे तो वो अपना जो फैब्रिक है उसको खुद ही बिल्कुल कवर कर लेता है, ठीक है। और इस तरीके से बीच में इलास्टिक को खींचते हुए अपनी साइड में भी और बाहर के साइड में भी खींचते हुए इस तरीके से जो है एक बीच की जो सिलाई है उसको ज़रूर लगाएं आप, ताकि आपकी जो इलास्टिक होती है वो कभी भी फोल्ड या कैसे भी नहीं होती है। और आपकी इलास्टिक लग के देखिए रेडी है और साथ में आपकी पॉकेट भी बन के रेडी है। और अगर आपको इस वीडियो में जो ट्राउज़र की मोहरी का डिज़ाइन देखना है तो इसके लिए वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और भी अगर स्टिचिंग रिलेटेड वीडियोस जो आपको देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और लाइक मतलब कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा मुझे मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।